सीबीआई ने गुरुग्राम के रायन स्कूल के छात्र प्रद्युम्न मर्डर केस में शक के आधार पर 11वीं के छात्र से पूछताछ की है। इसके साथ ही इस मामले में नया मोड़ आ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मामले में पहले ही आरोपी बस कंडक्टर अशोक कुमार को पकड़ा गया है। इस मामले में छात्र के पिता ने सीबीआई पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मेरे बेटे को रात में हिरासत में लिया। मेरे बेटे ने कोई अपराध नहीं किया, उसने तो माली और टीचरों को घटना के बारे में बताया था। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई इस छात्र को बुधवार दोपहर 2 बजे जुवेनाइल बोर्ड के सामने पेश कर सकती है। इस छात्र की उम्र 16 साल से अधिक बताई जा रही है। सीबीआई के मुताबिक बोर्ड ही यह तय करेगा कि छात्र पर मुकदमा चलाया जाए या नहीं। सूत्रों के मुताबिक इसी छात्र ने पहले बयान दिया था कि उसने टॉयलेट के पास माली को सबसे पहले देखा था। सीबीआई इससे पहले भी इस छात्र से कई बार पूछताछ कर चुकी है। गुरुग्राम की पुलिस ने भी जांच के दौरान धारा 164 के तहत इसका बयान दर्ज करा चुकी है। उल्लेखनीय है कि प्रद्युम्न टॉयलेट के बाहर मृत मिला था। उसके गले पर चाकू के गहरे घाव थे। मर्डर के बाद स्कूल बस के कंडक्टर अशोक कुमार को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक उसने अपना जुर्म भी कबूल किया था, लेकिन बाद में वह यह कहते हुए अपने बयान से पलट गया कि उसने दबाव में आकर हत्या की बात स्वीकार की थी। उसके बाद प्रद्युम्न के परिजनों की मांग और बढ़ते दबाव के बीच इस केस को राज्य सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई ने जांच का जिम्मा संभालने के बाद कंडक्टर के अलावा स्कूल के माली हरपाल, टीचर्स, स्टाफ और मैनेजमेंट के लोगों से पूछताछ की है। यहां तक कि सीबीआई आरोपी बस कंडक्टर और माली को लेकर क्राइम स्थल पर भी गई और वहां उस सीन को रिक्रिएट किया गया। गौरतलब है कि 8 सितंबर को गुरुग्राम के भूंसी में स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के प्रद्युम्न हत्या का मामला सामने आया था। इसके बाद मर्डर के आरोप में बस कंडक्टर अशोक को हिरासत में लिया गया था। अशोक ने मीडिया के सामने भी हत्या की बात कबूल की थी, लेकिन बाद में उसने बयान बदल दिया। इस मामले में अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में भी यह सवाल उठाए गए कि इस मामले में कोई अन्य भी शामिल भी हो सकता है। हत्या के मामले में लोगों का गुस्सा देखते हुए रायन स्कूल प्रबंधन ने प्रिंसिपल को भी निलंबित कर दिया था।